हेलो बच्चों, मैं सोनू जांगीर आपका नव भारती परिवार में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ेंगे सेंटेंस। तो अब सेंटेंस किसको कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं वाक्य को। सेंटेंस वाक्य को कहते हैं। तो हम पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। सम अरेंज वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस इन कॉल्ड ए सेंटेंस, यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकलता है उसे हम वाक्य कहते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए, द बॉयज रन्स फास्ट इन द रेस। सेकेंड एग्जाम्पल है, सचिन वाज बॉर्न इन मुंबई। अब इन बच्चों का मतलब कि इनका अर्थ निकल रहा है, इन शब्दों की ये वाक्य है, इसका अर्थ निकल रहा है कि वो जो लड़के हैं वो रेस में दौड़ रहे हैं, सचिन का जन्म मुंबई में हुआ। तो इस तरह के वाक्य सेंटेंस हम इसको कहेंगे। अब आगे देखते हैं बच्चों, फ्रेज। फ्रेज किसको कहते हैं? फ्रेज होता है वाक्यांश। तो वाक्यांश की डेफिनेशन क्या होगी? देयर आर सम ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स नो कंप्लीट सेंस, यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जिससे कि कोई अर्थ नहीं निकलता है, पूर्ण रूप से कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे हम फ्रेज यानी कि वाक्यांश कहते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि फाइन वेदर्स, यानी कि मौसम अच्छा है। अब अच्छा मौसम तो है, लेकिन इसका पूर्ण रूप से सेंटेंस नहीं है कि मौसम अच्छा है, लेकिन इसके आगे क्या आएगा? तो ये है फ्रेज, यानी कि इसका कोई अर्थ नहीं है। अब हम इसके वाक्य के आगे हम देखते हैं कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, वाक्य होते हैं चार प्रकार के। तो हम पढ़ेंगे, देयर आर फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य चार प्रकार के होते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस के भी दो सेंटेंस होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव सेंटेंस और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। ये तो हो गया असर्टिव सेंटेंस के दो सेंटेंस। अब दूसरा होता है इंटरगेटिव सेंटेंस, इंटरगेटिव सेंटेंसेस। तीसरा होता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। फोर्थ होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो बच्चों, ये है वाक्य के चार प्रकार। अब असर्टिव सेंटेंस हम पढ़ेंगे, द सेंटेंस विच टेल्स अस समथिंग इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस, यानी कि वो वाक्य जिससे कि कुछ, वो वाक्य जो हमें कुछ बताता है, कुछ कहता है, तो वो होता है कि असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो। अब इसमें कौन सा होता है पहले देखेंगे हम, पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्य। द सेंटेंस विच टेल अस इन ए पॉजिटिव मैनर इज कॉल्ड पॉजिटिव सेंटेंस, यानी कि वे वाक्य जो हमें पॉजिटिव मैनर यानी कि सकारात्मक, मतलब हमें जो बताता है, सकारात्मक दर्शाता है, उसको हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। अब पॉजिटिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए, सीमा इज ए नॉटी गर्ल, टॉम गो टू स्कूल डेली। तो ये है पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। द सेंटेंसेस विच टेल्स अस इन ए नेगेटिव मैनर इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य क्या होता है? वे वाक्य जिस जो हमें नकारात्मक महत्व या नकारात्मक अर्थ बताता है, उसे हम नकारात्मक सेंटेंस यानी कि नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, आई हैव नॉट योर बुक, यानी कि जिस वाक्य में नहीं, नेवर, नॉट ये शब्द आते हैं, वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब इसमें दे रखा है, आई हैव नॉट योर बुक, मेरे पास तुम्हारी बुक नहीं है। टॉम डज नॉट गो टू स्कूल डेली, टॉम डेली स्कूल नहीं जाता है। तो इसमें नॉट और नहीं या नेवर, जो इस तरह के वाक्य इसमें आते हैं, शब्द आते हैं, वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो इसको पहचानना बच्चों बिल्कुल आसान है, नेगेटिव वाक्यों को पहचानना बिल्कुल आसान है। अब हम आगे देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। द सेंटेंस विच आस्क्स ए क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस, वे वाक्य जो आस्क क्वेश्चन यानी कि जो प्रश्न पूछते हैं,
जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसे इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो इसे भी हमें पहचानना बहुत ही आसान है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, आर यू ए टीचर, आप अध्यापक हैं, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। तो इस तरह के में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और लास्ट में जो वाक्यांश यानी कि सेंटेंस लिखने के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह जो लगाते हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में लगाते हैं। तो बच्चों ये इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी पहचानना बहुत ही आसान है। अब तीसरा है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है वो देखते हैं। द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस द ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन एंड एडवाइस इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है या राय दी जाती है, सजेशन यानी राय देना, एडवाइस यानी सलाह देना, यानी कि जिस वाक्य में सलाह, राय या ऑर्डर ये सब दिए जाते हैं उसे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, डू नॉट इंसल्ट ए पुअर, यानी कि गरीब का अपमान मत करो। तो इसमें डू नॉट यानी बताया जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि ऑर्डर दे रहा है कि तुम गरीब की वो मत करो, क्या इंसल्ट मत करो, तो इसमें ऑर्डर दे रहा है वो। दूसरे एग्जांपल में है, प्लीज गिव ए वन ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। तो इसमें भी रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो एक गिलास पानी मांग रहा है, तो वो ये है इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इसमें ऑर्डर, सिंपल सी बात है कि इसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन या एडवाइस यानी कि सलाह जिसमें दी जाती है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा। अब आगे हम देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, द सेंटेंस विच टेल्स अ सडन फीलिंग, यानी कि वो वाक्य जिसमें अचानक से फीलिंग आती है उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, व्हाट ए नाइस पिक्चर इट इज, तो इसमें सेंटेंस, इसमें व्हाट ए नाइस पिक्चर इट इज यानी इसमें इसमें वो आ रही है, फीलिंग आ रही है कि अचानक से फीलिंग आ रही है कि वाओ कितनी अच्छी पिक्चर है, वाओ दिस इज ए ब्यूटीफुल पिक्चर। अब इसमें वाओ आ रहा है यानी कि उसमें भी अलग से फीलिंग आ रही है कि वाओ दिस इज ए ब्यूटीफुल पिक्चर, यह कितनी सुंदर पिक्चर है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वाक्य खत्म होने के बाद में, सेंटेंस खत्म होने के बाद में या बीच में एक्सक्लेमेशन साइन आता है तो उससे हम पता चल जाता है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब हम इन सब का ओवरव्यू एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से ये सेंटेंस देखे जाते हैं या समझे जाते हैं। वैसे तो आपको समझ में आ ही गया होगा लेकिन फिर भी हम एक बार ओवरव्यू देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के वाक्य होते हैं। पॉजिटिव में सकारात्मक वाक्य आपको समझ में आएगा और नेगेटिव में नॉट, नहीं, नेवर इस तरह के वाक्य आएंगे। अब इंटरोगेटिव में प्रश्नवाचक वाक्य आता है यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह होता है उसमें। इंटरोगेटिव में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है तो वो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस में एक्सप्रेसेस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस यानी कि सलाह दी जाती है, ऑर्डर दिया जाता है और रिक्वेस्ट की जाती है तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मस्ट कंटेन एक्सक्लेमेशन मार्क यानी कि इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क होता है तो वो उसे समझ में आ जाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क से वो समझ में आता है। तो बच्चों ये थे हमारे वाक्य के चारों भेद यानी कि सेंटेंस के चार प्रकार। अब हम इसकी प्रैक्टिस देख लेते हैं एक बार। फैच ए ग्लास ऑफ वाटर, अब यानी कि इसमें फैच है यानी कि लाओ, यानी कि एक गिलास पानी लाओ, तो इसमें कौन सा सेंटेंस होगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस, क्यों इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है पानी लाने के लिए तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। व्हाट ए नॉइज दे आर मेकिंग, यानी कि वो जो इतनी शोर कर रहा है तो इसमें देखो लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है तो ये होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब तीसरा है, थर्ड है, आर यू प्लेइंग इन द मैच, क्या तुम मैच खेल रहे हो, तो इसमें लास्ट में देखो क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क कौन से सेंटेंस में आता है, क्वेश्चन मार्क आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में।
ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब आगे हम फोर्थ देखते हैं, अलास वी हैव लॉस्ट द मैच, वो मैच हार गया। अब इसमें एकदम से उसको एक्सप्रेशन आ रहे हैं, तो कौन सा होगा सेंटेंस? इसमें सेंटेंस होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये है आगे देखिए, शी डज नॉट केयर फॉर एनीवन। अब आपको हमने बताया था नो नॉट नेवर, ये किस सेंटेंस में आता है? असर्टिव सेंटेंस के नेगेटिव में आता है, तो ये हो गया असर्टिव सेंटेंस। आगे है द बॉयज वर एंजॉइंग देमसेल्व्स, यानी कि लड़के खुद से एंजॉय कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा सेंटेंस आएगा? इसमें असर्टिव सेंटेंस आएगा, क्योंकि ये असर्टिव का पॉजिटिव सेंटेंस है। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? असर्टिव सेंटेंस। तो बच्चों ये बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में हमने आपको समझाया सेंटेंस, और सेंटेंस के चार प्रकार, किस तरह से किस सेंटेंस में किस तरह के मार्क्स लगते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, और इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर दिए जाते हैं, रिक्वेस्ट दी जाती है, और ये किया जाता है। और असर्टिव सेंटेंस में भी दो वाक्य होते हैं, एक पॉजिटिव वाक्य और दूसरा नेगेटिव वाक्य। तो बच्चों ये था हमारा सेंटेंस का चैप्टर 1। अब हम आगे आपको नए वीडियो में मिलेंगे।